सफेद लट हल्की बालू मिट्टी में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। मुख्य फसलें जिनको अधिक नुकसान होता है वे हैं मूंगफली, बाजरा, मूंग और सब्जियां आदि। सफेद लट का जीवन चक्र। इसका जीवन एक वर्ष में पूर्ण हो जाता है। मानसून या मानसून पूर्व की पहली अच्छी वर्षा के बाद शाम के समय भृंग जमीन से निकलते हैं। गोधूली बेला शाम को लगभग 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच। जमीन से निकलकर भृंग नीम, खेजड़ी और सेंजना आदि पर बैठते हैं। जमीन से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहले पेड़ पर मादा और नर मिलते हैं, उसके बाद पोषी वृक्ष की पत्तियों को खाते हैं। रात भर भृंग वृक्षों पर रहते हैं। सूरज निकलने के पहले भृंग जमीन में वापस चले जाते हैं। ये क्रिया लगभग 4 से 5 सप्ताह यानी 28 से 35 दिन तक चलती है। मादा नर भृंग से मिलने के 3 से 4 दिन पश्चात गीली मिट्टी में 10 सेंटीमीटर गहराई पर अंडे देना चालू करती है। अंडों से 7 से 13 दिन पश्चात छोटी लटें अर्थात प्रथम अवस्था की लटें निकलती हैं। प्रथम अवस्था में ये लट करीब 14 दिन तक रहती है। प्रथम अवस्था ही नियंत्रण करने की उपयुक्त अवस्था है, अर्थात इसी समय कीटनाशी डालना चाहिए। 14 दिन बाद ये लट द्वितीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये अवस्था 28 से 35 दिन तक रहती है यानी करीब 1 महीना। 35 दिन बाद ये लटें तृतीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि 42 से 56 दिन तक रहती है अर्थात 2 महीने के करीब। इस अवस्था में लट का नियंत्रण बहुत कठिन है। लट का पूर्ण काल 12 से 15 सप्ताह रहता है यानी लगभग 3 से 4 महीने तक। तृतीय अवस्था के बाद लट शंकु में परिवर्तित हो जाती है। शंकु करीब 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई में रहता है। शंकु अवस्था लगभग 14 दिन रहती है। शंकु से 2 सप्ताह बाद भृंग निकल आता है, जो कि अगली वर्षा तक जमीन में करीब 1 मीटर की गहराई तक पड़ा रहता है। पोषी पौधों पर भृंग नियंत्रण। सफेद लट से फसलों को बचाने के लिए भृंग नियंत्रण सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। इससे पर्यावरण प्रदूषण नाम मात्र का होता है। कीटनाशी रसायनों की मात्रा कम लगती है। इस विधि में जब भृंग निश्चित समय यानी गोधूली बेला पर जमीन से निकलकर पोषी वृक्षों पर बैठते हैं, उसी समय इनका नियंत्रण होता है। 15 मीटर के दायरे में से एक पोषी वृक्ष का चयन करें। चयनित वृक्ष पर इनमें से किसी एक रसायन क्यूनोलफॉस 25 EC 2 मिलीलीटर या इमिडा क्लोरोपेट 17.8 SL 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी का छिड़काव वर्षा वाले दिन वर्षा बंद होते ही कर दें। शाम के समय रसायन छिड़के वृक्षों पर 3-4 फेरोमोन सेप्टा लटका देवें। भृंग जमीन से निकलकर फेरोमोन से आकर्षित होकर कीटनाशी छिड़के पौधे पर आएंगे, पत्तियां खाएंगे और मर जाएंगे।
यह प्रक्रिया लगभग 4 से 5 दिन तक दोहराएं। ध्यान रहे, फेरोमोन स्पंज प्रतिदिन संध्या यानी गोधूली वेला के समय तैयार करें। पौधों पर लगाएं। फेरोमोन मिथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसोल के नाम से बाजार में उपलब्ध है।